हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज लाइट. सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड. तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, वैसा इमेज जो आपका स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता उसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक ऑपोजिट होता है रियल इमेज का. वर्चुअल इमेज अभी जस्ट हमने जैसे देखा उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. ओके, सो फर्स्ट का आप लिखोगे वर्चुअल इमेज. सेकंड, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिया हुआ है, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ वर्चुअल, दैट इज़ इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज. जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग ले, यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. आपने देखा होगा जो इमेज उसमें फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है. नेक्स्ट, An image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object. Suppose कोई एक object है जो उसमें image form होता है mirror पे, वो same ही आपका क्या होता है, same size का रहता है. तो वो कौन सा होगा, कौन सा mirror है, particular नाम आपको बताना है. Now the correct answer will be plane mirror. Plane mirror में जो image form होता है वो क्या, उसका characteristics क्या है, it is always of the same size as that of the object. An image which can be obtained on a screen is called a dash image. वैसा image जो हमें screen पर obtained हो सकता है, that is your real image. Okay? Now last क्या है देखो, An image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. Now देखो दो चीज़ें होता है, concave mirror and concave lens. तो यहाँ पर आपको बोलना है whether it is concave mirror और कॉन्केव लेंस, जहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या है आपका, वर्चुअल इमेज, दैट इज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फर्स्ट पार्ट, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, हमें कैसा दिखता है, एनलार्ज, दैट इज बड़ा दिखता है, एंड इरेक्ट. नाउ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था इसका, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. जबकि कार पे यूज़ होता है वहाँ पे इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज कॉन्केव लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल, दैट इज इट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. नेक्स्ट, वी कैन ऑब्टेन ए रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाई ए कॉन्केव मिरर. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज रियल एंड लार्ज एंड ऑल्सो इन्वर्टेड, यानी उल्टा, लेफ्ट का राइट पे दिखेगा, राइट का लेफ्ट पे दिखेगा. तो कॉन्केव मिरर का अगर प्राइम एग्जांपल अगर हम लोग शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में जो मिरर यूज़ होता है दैट इज़ योर कॉन्केव मिरर, क्योंकि वहाँ पे इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, एनलार्ज्ड होता है एंड ऑल्सो रियल. ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. यहाँ पे क्या बोला, जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि रियल इमेज होता है उसका हम लोग इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे. नाउ लास्ट वन, ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म ए रियल इमेज. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए रियल और ए वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, दैट इज कॉन्केव मिरर भी रियल इमेज भी बन सकता है या फिर वर्चुअल इमेज भी बन सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2. ए प्लेन मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्केव मिरर, ए कॉन्केव लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास,
can form image of objects spread over a large area used by dentists to see enlarged image of teeth. The image is always inverted and magnified. The image is erect and of the same size as the object. The image is erect and smaller in size than the object. So first is your plane mirror. हमने अभी जस्ट देखा था प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, दैट इज़ अपराइट पोजीशन पे होता है एंड सेम साइज़ का होता है. जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो भी सेम ऑब्जेक्ट का जो साइज वही रहता है. एक कॉन्वेक्स मिरर, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर टू, दैट इज़ कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या स्पेशलिटी है? वो लार्ज एरिया का जो इमेज है उसको छोटा इमेज में कन्वर्ट कर देता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल. एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है? इट इज़ यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. एक कॉन्केव मिरर, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज योर ऑप्शन नंबर थ्री. इट इज़ यूज बाई डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ. डेंटिस्ट कौन से मिरर के यूज़ करते हैं? कॉन्केव मिरर, only so that they can see an enlarged version of teeth. Teeth का enlarged view उनको ताकि अच्छे से दिख जाए, that is why they use concave mirror. Last क्या है देखो, a concave lens. The correct option will be option number 6, that is the image is erect and smaller in size than the object. Concave lens में जो image formation होता है वो कैसा होता है? Erect and smaller in size than the object. So next is a question number 4. State the characteristics of the image formed by a plane mirror. Plane mirror में जो image बनता है, that is जो image का formation होता है, उसका क्या क्या characteristics है वो आपको बताना है. Now आप क्या करोगे? सबसे पहले heading दोगे characteristics of the image formed by a plane mirror. उसके बाद आप सारे point wise answer लिखोगे. फर्स्ट है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वर्चुअल यानी मिरर के बिहाइंड में जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ योर वर्चुअल इमेज. एंड इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, दैट इज स्ट्रेट. नाउ नेक्स्ट क्या है देखो, बिहाइंड द मिरर, अभी जस्ट हमने जैसे बोला था मिरर के बिहाइंड में वो इमेज फॉर्मेशन होता है. थर्ड, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज है वो जैसा साइज का है एंड जो इमेज का फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर वो भी सेम साइज का ही रहता है. नेक्स्ट, लैटरली इन्वर्टेड इमेज. लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है उल्टा. लेफ्ट साइड का हमें विजिबल कैसा होता है? राइट साइड. एंड राइट साइड का विजिबल होता है हमें लेफ्ट साइड. जैसे मिरर पे सपोज आपने क्या किया, आपके लेफ्ट हैंड को रेज किया, तो इमेज जो विजिबल होता है वो कैसा होता है? राइट साइड. लास्ट क्या है देखो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये भी हमने डिस्कस किया, जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है. सपोज अगर मैं टू डिस्टेंस के मीटर पे खड़ी हूँ तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर वो भी 2 मीटर का डिस्टेंस ही होगा.